नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 में शुरू किया गया ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे नोबेल प्राइज कहा जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केमिस्ट्री यानी रसायन में 2020 नोबेल प्राइज को इमैनुअल शोपोंटी और जेनिफर ए डाउडना को जीनोम एडिटिंग के एक मेथड के डेवलपमेंट की खोज के लिए प्रदान किया है। इमैनुअल शोपोंटी और जेनिफर ए डाउडना ने जीन टेक्नोलॉजी के बेहतरीन उपकरणों में से एक टूल की खोज की है, जिसे CRISPR या फिर CAS9 जेनेटिक सीजर कहा जाता है। इसका उपयोग करते हुए रिसर्चर्स जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एक्यूरेसी के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक ने जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। माना जा रहा है कि ये टूल कैंसर उपचार में भी योगदान दे रहा है और विरासत में मिली बीमारियों को ठीक करने का सपना भी ये टूल सच कर सकता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।